IMF है क्या चीज आई आईएमएफ आईएमएफ की जो असल जो उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि सपोज्ड टू हेल्प कंट्रीज विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नथिंग दैट्स इट लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या होती है लिक्विडिटी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फॉर सम मार्केट ड्रिवन टेम्पररी रीजन दैट द कोर कोर थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर समेम्पररी रीजन द कंट्री इज शॉर्ट ऑफ डॉलर

तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ के आने से या हमारा आईएमएफ के जाने से वो कोर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो वो तो द सिस्टम इज नॉट इवन डिजाइन दैट वे कि वो आपको क्या करेगा वो इसलिए वो सिर्फ अकाउंटिंग की कुछ बातें आपके साथ करेंगे अच्छा भाई फिजिकल डेफिसिट को इस तरह से कर लो उस तरह से कर लो बिकॉज ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन गियर अगर ये लिक्वरिटी प्रॉब्लम है तो चलो जो शॉर्ट टर्म कैश स्क्वीज है वो हम किस तरह से पूरा करते हैं एंड और फिर जो आपकी नेचुरल प्रोजेक्टरी आप उसमें चले जाएंगे वो क्या कहते हैं वो कहते हैं अगर आपको अगर आप नहीं सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते तो फिर आप महंगी हैं अपने लोगों को और वो आपको क्या कहेंगे वो आपको सस्ती बिजली बनाने का तरीका तो नहीं सिखाएंगे ना दिस इज माई पॉइंट ये सारा आई एम एफ जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं जस्ट द रॉन्ग वर्ड असल प्रॉब्लम क्या है हम किसी और से वो प्लांट खरीदेंगे फिर हम तेल बाहर से मंगवाएंगे और फिर हम अपने लोअर मिडिल क्लास को बेचेंगे भाई कैसे बेचेंगे आप द मैथ नॉट एड अप फिर आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करते हैं उसके लिए सर्कुलर डेट क्रिएट होता है फिर आप कभी उसकी मेहनत करते हैं कभी बट द होल सिस्टम इज अनसस्टेनेबल मैं इसीलिए कि सोच के ये पहले सोचना चाहिए था कि यार ये वेयर आर वी हेडिंग विद दिस प्लान ऑफ फॉर फॉर एन एनर्जी पॉलिसी आईएमएफ का काम नहीं है उन, उनके उन, उनके लोग ट्रेंड ही नहीं है उनके पास पावर ही नहीं है एक्चुअली अगर वो ये कहेंगे तो यहाँ और शोर मचेगा कि नहीं कि ये कौन होते हैं जी बाहर से आके हमें बताने वाले हम कौन सा प्लांट चला सकते हैं कौन सा नहीं चला सकते सो so, ये चीजें हमने खुद करनी है ये फैसले हमने खुद करने हैं और फिर आपको आई पे जाने की जरूरत नहीं होगी एंड दैट इज ओनली वे वे इन अदर टू से हम कई दफा कहते हैं कि आई एम एफ कंडीशनिटीज एंड सोम

थम्स डाउन देता वो यू नो ग्लैडिएटर फिल्म में वो जिस तरह से होता है ना कि ये जिंदा रहेगा वो किंग कहता है ये वो ये आईएमएफ के हाथ में था यू आर दिस क्लोज टू बिकमिंग वर्स देन श्रीलंका बिकॉज फिर तो श्रीलंका के पास तो आईएमएफ एम की ऑप्शन थी ना आगे फिर भी अदर आईएमएफ कहता एंड यू नो टेक्निकली दे कुड हैव

कि आपकी इंटायर सॉवरेंटी एक्चुअली जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में है तो वो तो हमें उनका शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने वो थम्स अप दे दिया साइन कि चलो कुछ महीने और ट्राई कर लो बट आई थिंक इट्स रियली आई डोंट थिंक पीपल अभी तो डिटेल में हमने बात नहीं की बट दिचुएशन इज रियली रियली बैड अगर वो रियलाइजेशन अभी भी नहीं आएगी तो ये एक्सचेंज रेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते उससे कुछ नहीं होगा